हेलो व्यूअर्स, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर करें ये खास उपाय। जानिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित करे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। नंबर 1, बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। नंबर 2, तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। नंबर 3, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। नंबर 6, यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। नंबर 1, लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। नंबर 3, अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। नंबर 4, शम्मी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 5, बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। नंबर 6, जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 7, कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। नंबर 8, हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 9, धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। नंबर 10, लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। नंबर 11, दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है महाशिवरात्रि पर करें ये आसान उपाय, प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।